बॉलीवुड इंडस्ट्री में ब्रेकअप और पैचअप्स की खबरें बहुत आम हैं। कौन सी एक्ट्रेस का कौन से एक्टर से पैचअप हो जाए और कब ब्रेकअप हो जाए, ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। कुछ कपल्स फैंस के फेवरेट होते हैं और जब उनके अलग होने की खबरें सामने आती हैं तो सभी को कहीं ना कहीं झटका जरूर लगता है। ऐसा ही झटका फैंस को तब लगा जब एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और रणबीर कपूर एक दूसरे से अलग हुए। कैट और रणबीर का ब्रेकअप लोगों के लिए किसी सदमे से कम नहीं था, क्योंकि उन दिनों ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताते थे। यहाँ तक कि कैटरीना कैफ उनकी फैमिली के साथ भी नजर आती थीं। कभी नीतू कपूर, कभी ऋषि कपूर, तो कभी फैमिली डिनर। कहीं ना कहीं कैटरीना को स्पॉट कर ही लिया जाता था और आसार ये नजर आ रहे थे कि रणबीर और कैटरीना जल्द ही शादी कर सकते हैं। साल 2009 में इनके रिलेशनशिप की शुरुआत हुई, लेकिन साल 2016 में फिल्म जग्गा जासूस करने के बाद इनका ब्रेकअप हो गया। तब तो दोनों में से किसी ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन सवाल हमेशा खड़े होते रहे कि आखिर क्यों ये दोनों एक दूसरे से अलग हुए। वेल, ऐसे में एक इंटरव्यू के जरिए कैटरीना कैफ ने अपना हाली दिल बयां किया। इस ब्रेकअप पर कैटरीना ने चुप्पी तोड़ते हुए बताया कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं अब ऐसे दोस्त नहीं बनाती जिनसे मुझे ज्यादा जुड़ाव महसूस हो। ये फिल्मी बिजनेस है, काम की जगह है, इसमें इसी तरह रहना चाहिए। कभी कभी हम किसी पर्सनल और प्रोफेशनल इंसान से बहुत करीब से मिलते हैं। वेल, कैटरीना के इस स्टेटमेंट के बाद इतना तो साफ है कि इस ब्रेकअप से उनका दिल टूटा था। भले ही उन दिनों कितना भी जताया क्यों ना हो कि ये ब्रेकअप उनके लिए वरदान है, लेकिन इमोशनली कहीं ना कहीं कैटरीना कैफ बहुत हर्ट हुई थी रणबीर कपूर से अलग होने के बाद। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रेकअप हो जाने के बाद कैटरीना 13-13 घंटे की नींद लेती थी। जब इस बात का खुलासा हुआ तो उन्होंने खुद को स्लीपोहोलिक बताया, लेकिन सूत्रों ने इसे डिप्रेशन करार दिया। वेल, खुद को स्लीपोहोलिक बताना उनका बहाना ही था, क्योंकि वो तो फिटनेस फ्रीक है। एक बार उन्होंने अपने आप ये बात बताई थी कि वो नींद छोड़ सकती है पर फिटनेस नहीं। खैर, रणबीर कपूर से ब्रेकअप के बाद तो दीपिका पादुकोण भी डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हैं। उनके बाद कैटरीना और अब रणबीर आलिया भट्ट के साथ हैं और जल्द ही इन दोनों की फिल्म ब्रह्मास्त्र भी स्क्रीन पर आने वाली है। तो रणबीर कपूर के इन ब्रेकअप्स और पैचअप्स के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। फॉर मोर बॉलीवुड गॉसिप्स एंड अपडेट्स, स्टे ट्यून्ड विद बॉलीवुड लाइफ टाइम्स।